हिमाचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज हुई गैंगस्टर कोर्ट में पेशी। न्यायाधीश के सामने स्क्रीन पर 15 मिनट में किनाई भोजन, टीवी समेत दर्जनों शिकायतें। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में दूध 80 रुपए तो दही बिका 120 रुपए किलो। कारोबारियों ने कहा सावन भर यही स्थिति बनी रहेगी। महादेव से गूंजा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, हजारों की संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाने से हथकड़ी सहित फरार 25,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। शहर कोतवाली का वो हिस्ट्री चीटर है। वाराणसी के कुंजरिया गांव में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकुओं से हमला, हालत गंभीर, 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में फूलों की हुई 25 लाख की बिक्री, गुलाब के फूल बिके 50 रुपए तक। वाराणसी में आशा ट्रस्ट की ओर से चलाए गए कोरोना राहत कार्य में श्रमिकों और बच्चों में बांटा पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। गाजीपुर में ढटनी इजरी गांव के ग्राहक सेवा केंद्र में 63,000 की लूट, 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। देवरिया में निजी एम्बुलेंस का ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज ने तोड़ा दम, वाहन छोड़कर फरार हुआ चालक। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 27 जुलाई से होगी प्रारंभ, सीसीटीवी बंद हुआ तो पहुंचेंगे उड़ाका दल।